ये केवल खालसा एक पंथ नहीं, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है, प्रकाश पुंज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कभी भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि ये सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके चार चार साहबजादों ने, क्या उम्र थी, ये उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए उस समय भी तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके दो छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवाल पे चिनवा लिए गए। दो पुत्रों ने, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुजार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से, भक्ति की प्रकाश पराकाष्ठा को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके चार साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की एक कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है।